Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to Non Channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your biology mentor. So in this particular video, we talk about very interesting and important topic of the 11th NCERT, that is the anatomy of flowering plants. It means anatomy of angiosperm. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handles, so I provide a link in description box and about section of my channel. So please go through about section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. In our previous video, we discussed about what is the tissue, what is the meristematic tissue, what is the permanent tissue. But in this particular video, we discuss about structure and function and their location of the tissue and which type of tissue on the basis of their location and structure. There are many type of tissue. It's epidermal tissue, ground tissue, or vascular tissue. So each and everything we discuss in this video. So first we read what written in NCERT test book. After that we elaborate each and everything with simple and easy manner. So let's stop without wasting any time. So the tissue. So we are discussing type of tissue based on type of cell present them. हमने टिश्यू के बारे में जब ये देख लिया था उसमें किस किस टाइप की सेल पाई जा रही थी, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल थी, परमानेंट सेल थी, ये चुन रही थी वो डिस्कस. लेट्स नाउ कंसाइडर हाउ टिश्यू वेयरिंग डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी, है ना. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे जो टिश्यू थे, है ना, उनकी लोकेशन क्या थी, है ना, प्लांट बॉडी में उनकी क्या क्या लोकेशन होती है, उसके बेसिस पे हम इस वीडियो में देखेंगे. इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड बी ऑल्सो डिपेंड ऑन द लोकेशन. उनका जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, वो भी उनके लोकेशन पे डिपेंड करता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम, है ना. उनकी लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे जो हमारे थे टिश्यू के हैं, तीन टाइप के हैं. जो हमारा टिश्यू सिस्टम है वो थ्री टाइप में डिवाइड कर दिया गया उनके लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे. दीज आर एपिडर्मल, जो फर्स्ट हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, उसके बाद जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, है ना. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं. और जो उसके बाद हमारा जो वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है, इसमें जो हमारे आएंगे क्या आएंगे, जाइलम और फ्लोएम आएंगे. ये कंडक्शन में हेल्प कराते हैं, हमारे वाटर कंडक्शन, फ्लूइड का कंडक्शन में हेल्प कराते हैं. और जो हमारे ग्राउंड टिश्यू होते हैं, जिसको हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमारा वो अलग होता है, ठीक है. जो हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है और उसके बाद हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं. और हमारा वास्कुलर सिस्टम होता है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये कंडक्शन में हेल्प करता है. तो हम फर्स्ट देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइज एपिडर्मल सेल. तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, वो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी हमारी प्लांट बॉडी की, पूरे प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है और हमारी एपिडर्मल सेल को कंप्राइज करता है, है ना. पूरे प्लांट बॉडी की एपिडर्मल आउटर कवरिंग बनाएगा, वो आउटर मोस्ट कवरिंग होल प्लांट बॉडी कंप्राइज एपिडर्मल सेल और एपिडर्मल सेल से बनता है. स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडिजेज, है ना, वो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, इसमें स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडिजेज होते हैं. इसका मतलब है जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी बनाता है एंड कंप्राइज एपिडर्मल सेल्स से मिलकर बना होता है, इसमें कि स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडिजेज होते हैं. एपिडर्मल अपेंडिजेज जो होंगे हमारे, वो क्या क्या होंगे, इसमें ट्राइकोम्स और हेयर्स. हेयर्स के बारे में तो हम देखते हैं, इसमें हेयर, है ना, हेयर यानी रूट हेयर, है ना, रूट हेयर की बात हो रही है यहाँ पे. हेयर बोला तो रूट हेयर की बात हो रही है यहाँ पे, रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर. और जो ट्राइकोम जो होते हैं हमारे, ये स्टेम में पाए जाते हैं, ये हमारे जो होते हैं स्टेम में पाए जाते हैं. ट्राइकोम जो होते हैं हमारे स्टेम में पाए जाते हैं. हेयर जो हमारे रूट में पाए जाते हैं, हमारे जो होते हैं, ये हमने आपको ट्रिक बताई थी, रस्म. जो रूट के हेयर होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, जो स्टेम में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं. स्टेम में क्या होते हैं हमारे, ट्राइकोम जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं. द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर
ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, जो इपिडर्मिस होती है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। इट मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड सेल से बनी होती है, कॉम्पैक्ट सेल से बनी होती है, कॉम्पैक्ट अरेंज सेल होती हैं विच फॉर्म कॉन्टीन्यूअस लेयर, जो कि हमारी कॉन्टीन्यूअस लेयर बनाती हैं। एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर, एपिडर्मिस जो होती है हमारी वो सिंगल लेयर होती है, कॉन्टीन्यूअस लेयर होती है। एपिडर्मिस क्या होती है हमारी, एपिडर्मिस जो होती है हमारी वो सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है और कॉन्टीन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। एपिडर्मिस सेल आर पैरेन्काइमेटस विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। जो हमारी एपिडर्मल सेल होती हैं वो हमारी पैरेन्काइमेटस होती हैं, यानी उसमें पैरेन्काइमा पाया जाएगा, और पैरेन्काइमा पाया जाएगा तो भाई वो फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और उसमें कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल, और उसमें जो होता है लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। जो आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस की कवरिंग होती है वो वैसी होती है, और थिक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। जो हमारा क्यूटिकल होता है वो इम्परवियस टू वाटर होता है, यानी वाटर लॉस को हमारा प्रिवेंट करता है, यानी लॉस ऑफ वाटर को वो प्रिवेंट करेगा। तो जो हमारा होता है क्यूटिकल होता है इम्परवियस टू वाटर। यानी वो वाटर को इम्परवियस, यानी वो वाटर को लॉस रोकेगा, यानी वाटर का लॉस रोकेगा, ठीक है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस ऑप्टन कवर विद ए वैक्सी, जो वैक्सी लेयर होती है वो हमारी क्यूटिकल की बनी होती है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं ना। वैक्सी लेयर जो होती है हमारी वाटर को लॉस को रोकती है, कॉल्ड क्यूटिकल, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, जो कि हमारा वाटर का लॉस रोकता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, हमारी रूट में जो होती है, रूट तो हमारी सॉइल के अंदर होती है, तो उसमें वाटर लॉस होने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाटर लॉस वहीं पे होगा जहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट में होगा, है ना, जो हमारा स्टेम होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में होता है, वहाँ पे हमारा ट्रांसपिरेशन वगैरह होता है, जो हमारी लीफ होती हैं वो हमारी एनवायरनमेंट में, खुले एनवायरनमेंट में होती हैं, तो वहाँ पे हमारी जो होंगी वहाँ पे वाटर लॉस हमारा होगा, इसलिए उसको रोकने के लिए हमारी क्यूटिकल पाई जाएंगी, ठीक है। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट, हमारी क्यूटिकल होती हैं वो रूट में एब्सेंट होती हैं। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, जो हमारा स्टोमेटा होता है वो एपिडर्मिस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा है जो हमारा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है ना, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में हमारा स्टोमेटा हेल्प करता है, जो कि हमारा एपिडर्मिस ऑफ लीफ में पाया जाता है। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, जो हमारा स्टोमेटा होता है वो हमारा क्या क्या काम करता है, वो ट्रांसपिरेशन कराता है, यानी वाष्पोत्सर्जन कराता है, और गैसियस एक्सचेंज कराता है ना। जो हमारे प्लांट को गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, प्लांट भी हमारे सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, तो हमारा स्टोमेटा के थ्रू होता है, है ना। ईच स्टोमेटा इज कंपोज ऑफ टू बीन सेप स्ट्रक्चर, है ना। जो हमारा स्टोमेटा होता है टू बीन सेप स्ट्रक्चर से कंपोज होता है, यानी टू बीन सेप स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉड सेल बोलते हैं, है ना, गार्ड सेल बोलते हैं, जो हमारी बीन सेप होती हैं। विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर, जो कि हमारे स्टोमेटा पोर में होती हैं, विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर, है ना, जो कि स्टोमेटल पोर में होती हैं। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल वेल सेप, है ना, डम्बल सेप या डम्बल सेप बोलते हैं इसको, है ना। जो हमारी ग्रासेस में होती हैं, जो इसमें जो होती हैं इन ग्रासेस, द गार्ड सेल जो होती हैं वो डम्बल शेप होती हैं, है ना, डम्बल शेप होती हैं ग्रासेस में। ये हमारा क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रासेस में जो होती हैं गार्ड सेल वो किस टाइप की होती हैं, वो डम्बल शेप होती हैं, और अदर में जो होती हैं हमारी कैसी होती हैं, कैसी होती हैं भाई, वो बीन शेप होती हैं, ठीक है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल, जो आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल जो कि हमारी स्टोमेटल पोर से दूर होती है, है ना, इसमें अभी हम फिगर में आपको बताएंगे। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर होता है जो कि हमारी वो उससे दूर होती हैं, आउटर वॉल हमारी दूर होती हैं, और वो होती है वो जो हमारी आउटर वॉल होती है वो थिन होती है। जो हमारी इनर वॉल होती है जो कि हमारी स्टोमेटल पोर के पास होती है, यानी पास में होती है, और वो हमारी वो हाईली थिक होती है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा प्रेशर लगता है इसलिए ये थिक होती है, इसमें ज़्यादा प्रेशर ये सर्वाइव करती है, ठीक है।
द गॉड सेल प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट, जो गॉड सेल होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो गॉड सेल होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करती हैं। समटाइम ए फ्यू इपिडर्मल सेल, है ना, कुछ समटाइम फ्यू इपिडर्मल सेल इन विसिनिटी ऑफ द गॉड सेल बिकम स्पेशलाइज इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सेल जो होती हैं इपिडर्मल, कुछ इपिडर्मल सेल होती हैं विसिनिटी मतलब पास की, है ना, यानी पास वाली, पास वाली विसिनिटी का मतलब होता है पास वाली, है ना। कुछ इपिडर्मल सेल्स जो होती हैं गार्ड सेल के जो पास में होती हैं वो स्पेशलाइज हो जाती हैं, अपने शेप में स्पेशलाइज हो जाती हैं और अपने साइज में, इसको हम सब्सिडरी सेल बोलते हैं, है ना। द स्टोमेटल अपर्चर, द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड सराउंडेड सब्सिडरी सेल आर टुगेदर स्टोमेटल अपरेटस, जो स्टोमेटा स्टोमेटल अपरेटस जो बनाती हैं वो हमारी कौन कौन सी सेल्स बनाती हैं, है ना। तो स्टोमेटल अपर्चर गॉड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल को हम टुगेदर बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस बनाती हैं, है ना। ये स्टोमेटल अपर्चर को हम बोलते हैं स्टोमा, स्टोमा, ठीक है। ये हमारी तीन सेल मिलके हमारी जो बनाती हैं वो स्टोमेटल अपरेटस बनाती हैं। अब इसमें हमको ये दिखाया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, स्टोमेटा का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है विद बीन शेप गॉड सेल, है ना, गॉड सेल एंड स्टोमेटा विद डम्बल शेप गॉड सेल, जो कि डम्बल शेप हमारी ग्रासेस में पाई जा रही थी। तो इसमें देख लेते हैं, ये जो है हमारा स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर है यानी छिद्र, ठीक है। ये इसके बगल वाली जो थी सेल थी हमारी, ये गार्ड सेल थी जो स्टोमेटल पोर को सराउंड किए हुए थी, ठीक है। और गार्ड सेल में हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा कि वो इसलिए वो ग्रीन थी और ये हमारी फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। और जो स्टोमेटल गॉड सेल के जो विसिनिटी वाली पास वाली जो सेल थी अपनी शेप में और साइज में, वो स्ट्रक्चर और साइज में अपना वो मॉडिफिकेशन कर रही थी, वो हमारी क्या थी, सब्सिडरी सेल कहलाती थी, है ना। ये हमारा जो बाहर है वो हमारी इपिडर्मल सेल है, है ना। और इसी तरह हमारा ये जो है इसमें, इसमें ये हमारा जो डम्बल है ग्रासेस का एग्जांपल है, ये हमारे जो डम्बल शेप होते हैं ये हमारे ग्रासेस में होते हैं, ग्रासेस में होते हैं, ग्रास में होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, द सेल ऑफ इपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स, जो हमारी इपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें हेयर्स होते हैं, है ना। हेयर्स वो किस टाइप के हो सकते हैं, द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, मैंने आपको बताया था जो ट्रिक से बताया था मैंने आपको, आर यू एस एम रस्म, यानी जो रूट होंगे, रूट के जो हेयर होंगे वो हमारे क्या होंगे, रूट के हमारे हेयर होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, और जो स्टेम के होंगे, स्टेम में हम हेयर नहीं बोलते हैं, स्टेम में हम उनको ट्राइकोम बोलते हैं, है ना। तो वो हमारे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। द सेल ऑफ इपिडर्मिस बियर्स नंबर ऑफ हेयर, द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, रूट हेयर हमारे होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, इलोंगेशन ऑफ इपिडर्मल सेल एंड हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉयल, जो हमारा रूट हेयर होते हैं जो जोन ऑफ मेचुरेशन में पाए जाते हैं वो हमारे सॉयल से हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं फ्रॉम सॉयल, ठीक है। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम, जो हमारे स्टेम में होते हैं उनमें एपिडर्मल हेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं, स्टेम में हम एपिडर्मल हेयर को हम ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम इन सूट सिस्टम, जो हमारे सूट सिस्टम हम क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम हमारा होता है जो स्टेम का पार्ट होता है, है ना, उसको हम सूट सिस्टम बोलते हैं। द ट्राइकोम इन द सूट सिस्टम आर यूजली मल्टी सेलुलर, जो हमारे ट्राइकोम होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मैंने आपको ट्रिक से बताया रस्म वाली से, ठीक है। रूट के हेयर जो होंगे यूनिसेलुलर होंगे और जो स्टेम के होंगे हमारे मल्टी सेलुलर होंगे, स्टेम में हम हेयर नहीं बोलते हैं उनको हम ट्राइकोम बोलते हैं, ठीक है। दे में भी ब्रांच, ये हमारे ट्राइकोम हो सकते हैं, वो ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं और स्टिफ हो सकते हैं, यानी वो मुलायम हो सकते हैं और कड़े भी हो सकते हैं। दे में भी इवन भी सिक्रेटरी, है ना, ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, यानी किसी सब्सटेंट का वो सिक्रेशन भी करेंगे। द ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, ये हमारे जो ट्राइकोम होते हैं ये भी हमारा वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, जो कि हमारा किससे होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो हमारा वाटर लॉस होता है उसको हमारे ये ट्राइकोम प्रिवेंट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है,
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना, जो हमने इपिडर्मल सिस्टम देख लिया, अब हम देखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखेंगे है ना। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट इपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, सारे टिश्यू एक्सेप्ट इपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल टिश्यू को और इपिडर्मिस टिश्यू को हटा के जो हमारा बचता है वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है ना। जो हमारा इपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम को हम हटा दें, उसके अलावा जो हमारा बचेगा वो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कंसाइडर होगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, इसमें क्या क्या होते हैं, सिंपल टिश्यू होते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मैंने इसके बारे में आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अच्छे से समझाया है कि पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेन्काइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके उसको वॉच करिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा ना। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमेटस सेल आर यूजली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेस। जो पैरेन्काइमेटस सेल होती है हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं, पेरिसाइकिल में पाई जाती हैं, पिथ में पाई जाती हैं और मेडुलरी रेस में पाई जाती हैं। इन द प्राइमरी स्टेम और रूट, यानी हमारी प्राइमरी स्टेम और रूट की, प्राइमरी स्टेम और रूट में जो हमारी पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं ये हमारी कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं, पेरिसाइकिल में पाई जाती हैं, पिथ में पाई जाती हैं और मेडुलरी रेस में पाई जाती हैं, है ना। इन लीव्स, यानी हमारी पत्तियों में, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड मीजोफिल, है ना। जो हमारी मीजोफिल जो हमारी लीव्स में होती हैं, पत्तियों में होती हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो हमारा क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, लीव की मीजोफिल सेल में पाया जाता है। सीधा सवर्ड है, मतलब ये कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा लीव में होता है, लीव में कहाँ पे होता है, वो हमारी मीजोफिल सेल में होता है, लीव की मीजोफिल सेल में हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, सीधा सा मतलब ये है इसका। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या दिखाया गया, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम दिखाया गया। अब हमको वास्कुलर टिश्यू सिस्टम दिखाया गया, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारा क्या है, जाइलम ऑफ फ्लोएम आएंगे है ना, जो कि हमारा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कंडक्शन का काम करेगा, वाटर कंडक्शन का, मिनरल कंडक्शन का, फूड कंडक्शन का, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या थे, हमारे जो एक सेल से मिलकर नहीं बने थे, यानी वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने थे, उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम बोलते थे, जिसमें कि हमारे आते थे फ्लोएम और जाइलम। यानी जाइलम जो था हमारा वाटर का कंडक्शन, मिनरल का कंडक्शन कराता था, जो फ्लोएम था हमारा वो हमारा स्टार्च का यानी फूड मटेरियल का कंडक्शन कराता था फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो हमारा जाइलम था वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराता था फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वास्कुलर बंडल, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनको हम एक साथ मिला के वास्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, इन डाइकोटिलेडोनस स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यानी हमारे जो डाइकॉट स्टेम होते हैं उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, है ना। सच वास्कुलर बंडल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पॉसिस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू एंड हेंस कॉल्ड ओपन वास्कुलर बंडल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कैम्बियम पाई जा रही है, कैम्बियम की रिंग पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो इस टाइप तो कैम्बियम जो होती है हमारी रिस्पॉन्सिबल फॉर होती है वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसलिए हमारे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, इसमें कैम्बियम रिंग पाई जाएगी, तो इस टाइप के हम वास्कुलर बंडल को बोलते हैं ओपन वास्कुलर बंडल, क्योंकि हमारी उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें कैम्बियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये हमारे किसमें, डाइकॉट में हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और हमारे जो वास्कुलर बंडल होते हैं उसमें ओपन टाइप होते हैं। इसका मतलब ये है हमारे जो डाइकॉट होंगे स्टेम, डाइकॉट स्टेम होंगे, उनमें कैम्बियम पाई जाएगी, है ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और जो कैम्बियम में होती है सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करने की एबिलिटी होती है, इसलिए इसको हम ओपन वास्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, जब मोनोकॉट होते हैं हमारे, मोनोकॉट द वास्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट,
जो वास्कुलर बंडल में होते हैं उनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, हिंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिशू, इसलिए ये सेकेंडरी टिशू फॉर्म नहीं करते हैं। दे आर रिफर्ड टू एज क्लोज, और ये इसको क्लोज वास्कुलर बंडल बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। विंस जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर, जो हमारे होते हैं जब जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल में एक अल्टरनेट मैनर पे अरेंज होते हैं अलॉन्ग विद डिफरेंट रेडियाई और डिफरेंट रेडियाई पे, तो सच ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा रूट में पाया जाता है। हमको फिगर में दिया गया, अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, पहले हम टेस्ट में देख लेते हैं। जो हमारा होता है विन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द वास्कुलर बंडल अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर अलॉन्ग विद डिफरेंट रेडियाई अरेंजमेंट कॉल्ड रेडियल, ठीक है, यानी हमारा जो वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो अल्टरनेट मैनर पे अरेंज होता है और डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज होता है, तो उसको हम इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा रेडियल से हमको पता चल रहा है आर से रेडियल, आर से रूट, यानी हमारा जो रेडियल है वो किस में पाया जाएगा, वो हमारा रूट में पाया जाएगा, ठीक है। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, कंजॉइंट का मतलब होता है साथ साथ, कंजॉइंट का मतलब साथ साथ, ठीक है। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल द जाइलम और फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड, है ना, मैंने बताया ना कंजॉइंट, मतलब साथ साथ, कंजॉइंट जॉइंटली सिचुएटेड अलॉन्ग द सेम रेडियाई ऑफ वास्कुलर बंडल, जो हमारे कंजॉइंट टाइप में होते हैं जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो साथ साथ सिचुएटेड होते हैं, सेम रेडियस ऑफ वास्कुलर बंडल, सच वास्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीप, है ना, जो हमारे ये कंजॉइंट वास्कुलर बंडल होते हैं ये हमारे लीप और स्टेम में कॉमन होते हैं, है ना। द कंजॉइंट वास्कुलर बंडल यूजली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, है ना, इसका मतलब ये है हमारे जो कंजॉइंट वास्कुलर बंडल होते हैं इसमें कंजॉइंट टाइप के वास्कुलर बंडल में हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो हमारे सेम रेडियस पे वास्कुलर बंडल पे अरेंज होते हैं, है ना, जो कि हमारा कंजॉइंट जो होता है हमारा स्टेम और लीफ में देखा जाता है, कंजॉइंट टाइप का हमारा वास्कुलर बंडल स्टेम और लीफ में पाया जाता है, और कंजॉइंट वास्कुलर बंडल जो होते हैं हमारा उसमें क्या होता है, कंजॉइंट वास्कुलर बंडल में यूजली जो होते हैं फ्लोएम होते हैं वो आउटर साइड होते हैं जाइलम से, है ना, वो जाइलम के आउटर साइड लोकेटेड होते हैं, मतलब बाहर की तरफ हमारे फ्लोएम होंगे और, है ना, और जो हमारे जाइलम होंगे इनर साइड होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको फिगर दिखाते हैं, हमको फिगर दिखाया गया है इसमें वेरियस टाइप ऑफ द वास्कुलर बंडल, हमको पहला जो दिखाया गया रेडियल वास्कुलर बंडल का दिखाया गया है, उसके बाद कंजॉइंट क्लोज का दिखाया गया है क्योंकि इसमें कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाएगी यानी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, उसके बाद जो हमारा है कंजॉइंट ओपन टाइप का दिखाया गया है, तो हम देख लेते हैं। ये देखो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है, है ना, डिफरेंट रेडियाई पे, ये जाइलम हो गया ये फ्लोएम हो गया, ये डिफरेंट रेडियाई पे पाए जा रहे हैं, तो ये हमारा रेडियल हो गया, है ना, रेडियल हमारा किस में पाया जा रहा था, रेडियल हमारा पाया जा रहा था रूट पे, रेडियल हमारा जो पाया जा रहा था रूट पे पाया जा रहा था, है ना, इसमें जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज हैं वास्कुलर बंडल में। अब उसके बाद हमारा क्या आया, कंजॉइंट क्लोज आया, है ना, कंजॉइंट क्लोज, अभी हमारा कंजॉइंट क्लोज आया, कंजॉइंट क्लोज क्यों बोला, क्योंकि हमारा यहाँ तो ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया हमारा जाइलम, अब कंजॉइंट ओपन हम इसको तब बोलेंगे जब यहाँ पे हमारी कैम्बियम रिंग पाई जाएगी, कैम्बियम रिंग यहाँ पे पाई जाएगी जो कि हमारी सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करवाएगी, पर यहाँ पे हमारी जो है कैम्बियम रिंग अब्सेंट है, इसलिए इसके हमने इसको बोला कंजॉइंट क्लोज टाइप बोला, ठीक है, क्योंकि यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमारी कैम्बियम रिंग अब्सेंट है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है हमको, ये दिया गया है कंजॉइंट ओपन टाइप का, है ना, यानी कंजॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम साथ साथ पाए जा रहे हैं, और ये ओपन टाइप इसको इसलिए बोला क्योंकि इसमें कैम्बियम रिंग है यानी वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ये मोस्टली डाइकॉट में पाया जाता है, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है,